दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है कि कल स्टॉक मार्केट में मोमेंटम कैसा हो सकता है, ओपनिंग कैसी हो सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं एक एक कल के क्लू बताऊंगा आपको, और क्लू बताने के बाद कैसा मोमेंटम, कैसे स्कैल्पिंग, कैसे देखिएगा सिनेरियो बन सकता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें देखिएगा चूँकि 6 बड़ी अपडेट है इस पर्टिकुलर वीडियो में, और 2-3 अपडेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे को कहाँ पे क्लोज हुआ है। गिफ्ट निफ्टी देखिएगा फ्राइडे को, अगर आप देखेंगे फ्राइडे को, क्या आप सैटरडे को कह सकते हैं कि अगर आप चेकआउट करेंगे तो हमारा मार्केट बंद होता है 3:30 पे फ्राइडे को। तो 21 तारीख को हमारा मार्केट कहाँ पे बंद हुआ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो गिफ्ट निफ्टी है वो 21 घंटे खुलता है, और वो रिप्लिका होता है निफ्टी 50 का, तो वो क्लोज हुआ है 23,457 के आसपास। अब अगर आप देखेंगे इस तरीके से कहीं ना अराउंड, कहीं ना कहीं 30-40 पॉइंट अगर यहीं पर गिफ्ट निफ्टी खुलता है सेम एज इट इज़ कल 6:45 पे, तो आपको 30-40 पॉइंट के साथ निगेटिवली देखेगा या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है कहाँ पे, निफ्टी 50 में। क्योंकि जब भी देखेगा गिफ्ट निफ्टी आपके निफ्टी की वैल्यू से कम होता है तो 40-50 पॉइंट आप ऐसे मान के चल लीजिए। अगर ऊपर है, जैसे कि मान लीजिए 23,500 का लेवल देखने को मिल रहा है आपको निफ्टी में, और गिफ्ट निफ्टी देखने को मिल रहा है आपको 23,500 या 700, तो अगर आप देखेंगे 23,570 या 600, तो आप देखेंगे 70-80 पॉइंट बढ़कर खुलेगा बाजार। और जब ये कम होता है निफ्टी 50 से, तो उतना ही 30-40-50 पॉइंट आप कह सकते हो कि मार्केट निगेटिव खुलेगा। अब चूंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड हो रहा है 23,457 पे, और हमारा मार्केट निफ्टी क्लोज हुआ था 23,501 पे, यानी कि गिफ्ट निफ्टी की वैल्यू निफ्टी की वैल्यू से कम है, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली या तो फ्लैट निगेटिव के साथ स्टॉक मार्केट खुलेगा 40 पॉइंट 50 पॉइंट 30 पॉइंट, अगर सेम एज इट इज गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग होती है। मल्टीपल इवेंट हुए हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मल्टीपल इवेंट हुए हैं, चाहे GST काउंसिल हो, चाहे टैक्स से रिलेटेड बातें हों, RBI से रिलेटेड बातें हों, तो इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है, इसको भूलिएगा मत। ओपनिंग कैसी हो रही है डजंट मैटर, ओपनिंग के बाद का मोमेंटम मैटर करता है। तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट अभी भी सॉलिड है, चाहे आप निफ्टी बैंक की बात करें और चाहे वो निफ्टी 50 की बात करें। बार बार स्टॉक मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आसानी से स्टॉक मार्केट नीचे जा नहीं रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चाहे वो देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्री इतना गिर गया हो, तब भी अगर आप 65 पॉइंट निगेटिव क्लोज हो रहे हो तो आप कुछ भी क्लोज नहीं हो रहे हो। जबकि रिलायंस की देखिएगा हालत आप देख सकते हो, लास्ट फ्राइडे काफ़ी बुरी है, और HDFC बैंक में भी गिरावट आई है, बट स्टिल निफ्टी बैंक में कोई एज सच बड़ी गिरावट के साथ निफ्टी बैंक बंद नहीं हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए आपको अगर निगेटिव मार्केट मिल जाता है तो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करना है, और शॉर्ट कवरिंग के लिए कॉल साइड पे जाना है स्कैल्पिंग में 9:15 से 9:35 के बीच में। अब मार्केट परेशान क्यों है, क्योंकि डॉलर काफी परेशान कर रहा है इस समय, वो 106 की तरफ जा रहा है, और जिस कारण से हमारी करेंसी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर आप देखेंगे बॉन्ड मार्केट से थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन बॉन्ड मार्केट अमेरिका का अभी भी अप है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस समय 24 घंटे कौन सा मार्केट खुला रहता है, क्रिप्टो करेंसी। तो अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक इसमें ग्रीनरी देखने को मिल रही है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी करेंसी में भी थोड़ी राहत आई है ऑल टाइम लो से, लेकिन अगर ये देखिएगा फिर से 83.6 के ऊपर जाती है एज डॉलर इज देखिएगा इंडिकेटिंग 106 लेवल, तो आप समझ सकते हैं फिर से प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपको जितना नीचे मार्केट मिल जाए उतनी देखिएगा शॉर्ट कवरिंग के लिए ट्रेड के लिए जाना है, देन आफ्टर दैट क्लोज द ऐप। चूंकि अगर आप देखेंगे गोल्ड में 1.5% की गिरावट हुई है फ्राइडे को, और सिल्वर में 4% की गिरावट हुई है, तो पैनिक तो बना है चौतरफा, ये मत सोचिएगा चौतरफा पैनिक नहीं है, लेकिन मार्केट एज सच बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, चाहे निफ्टी हो, गिफ्ट निफ्टी हो, US के डाओ फ्यूचर्स हो, टेक फ्यूचर्स हो, या फिर देखिएगा निकाय हो, हैंसेंग हो आप देख सकते हैं, या फिर यूरोपियन मार्केट हो, तो यहाँ पे एज सच बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी अगर अराउंड आपको 23,440
और देखिएगा 23400 का लेवल नहीं टूटता है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, 23380 सपोर्ट है। अगर यहाँ पे निफ्टी आपको देखने को मिलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, वही आपका बेस्ट ट्रेड होगा। और अगर यहाँ पे निफ्टी बैंक में 51280 का लेवल देखने को मिल जाता है तो ये बेस्ट पार्ट होगा, 400 का लेवल भी देखने को मिल जाता है तो भी बेस्ट पार्ट होगा, और फिर एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है लिटिल बिट, तो उसी पे आपको फोकस करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो राम राम करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।